ओके गाइस सो लेट्स स्टार्ट द सेशन सो हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल अनदर लाइव वेबिनार ब्रॉट टू यू बाय द ट्रेड स्कूल एंड बाय मी एम ट्रेड सो बेसिकली देखिए इसमें जो है ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात हम जो करेंगे वो है हमारे इमोशंस के ऊपर के जब हम ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं या ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे इमोशंस जो है ना वो बीच में काफ़ी ज्यादा हर्डल्स और काफी ज्यादा जो है ना वो रेजिस्टेंस जो है ना वो हमें प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से सक्सेसफुली हम ट्रेड नहीं कर पाते अब देखें इमोशंस को कंट्रोल करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप जब तक इमोशंस अपने कंट्रोल नहीं करोगे तो आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते आप ट्रेडिंग कर नहीं सकते आप मतलब ना तो आप किसी को फॉलो कर सकते हो ना आप किसी के साथ जो है ना वो ट्रेड कर सकते हो ना आप जो है ना वो काम कर सकते हो अब इमोशंस के पीछे जो है ना काफी सारे देखें पूरा का पूरा सेटअप होता है मतलब ये कि अगर हम एक एक हम लाइक like आप एक हम फाउंडेशन बनाए तो देखिए ये पूरी ट्रेडिंग है ठीक है ये पूरी ट्रेडिंग फाउंडेशन है जिसकी बिल्डिंग एक ब्लॉक खड़ा हुआ यहाँ पर आके जो है ना ये दो चीजें आती हैं जो किलाती हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक है जो किलाती हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक है और साथ में यहां पे खिलाती है रिस्क मैनेजमेंट जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है इमोशंस ठीक है ना इमोशंस अब जो रेस्ट ऑफ द थिंग है जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ये हमारा कम्प्राइज होता है टेक्निकल एनालिसिस पे ये कम्प्राइज होता है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ये हमारा कम्प्राइज होता है फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर इन द डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स वी आर यूजिंग इन द ट्रेडिंग ठीक है लेकिन ये जो वैटेज है रिस्क मैनेजमेंट की साइकोलॉजी की इमोशंस की ये एटी परसेंट से ज़्यादा है मतलब एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी के अंदर एटी परसेंट से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेजेस आते हैं कि सर सारी चीज़ें तो सेट हैं सारी चीज़ें तो परफेक्ट हैं बट हम जो है ना वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे अब देखिए इमोशंस में एक ब्रॉडर वे में जो है ना वो टर्म यूज़ कर रहा हूँ अगर हम इमोशंस की बात करें तो मैं अभी ब्रॉडली इस चीज़ को यूज कर रहा हूँ इमोशंस ठीक है अब इमोशंस के अंदर ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इमोशंस के अंदर सबसे पहले इशू क्या आता है हम अपने लॉसेस को होल्ड करते हैं ठीक है हम इमोशनली जो है ना वो आ जाते हैं और हम अपने लॉसेस को होल्ड करते हैं लॉसेस को जो है ना हम बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं इमोशंस के अंदर एक चीज़ ये आती है कि हम जैसे ही हमारी ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है हम उसको जो है ना वो इमिजिएटली निकाल देते हैं हम उसको होल्ड ही नहीं कर पाते हमें इतनी पेशेंस नहीं होती हमारे अंदर इतना पावर नहीं होता कि हम प्रॉफिट्स को होल्ड कर सके थर्ड इसमें क्या है हम चेस करते हैं मार्केट को फोमो क्रिएट हो जाता है फोमो मींस ये कि हमने एक चीज देखी एक बंदा जो है ना वो कर रहा है ट्रेड कर रहा है उसने जो है ना वो अलर्ट दे दिया कि भाई आप को बाय कर लो या आप टेस्ला को बाय कर लो और फिर जस्ट हम विदाउट नॉट विदाउट डूइंग अवर एनालिसिस विदाउट क्रॉस चेकिंग द थिंग्स और हम दर दर दर्द दर्द बाइंग स्टार्ट कर देते हैं तो ये क्या होता है हम चेस कर रहे हैं मार्केट को हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं ठीक है थर्ड हमारे पास क्या है हम जो है हम क्या करते हैं हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं ये भी इमोशंस के अंदर आ जाता है हम ओवर ट्रेड कर रहे हैं हम ओवर साइज कर रहे हैं हम जो है ना वो प्रॉपरली एक सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हम किसी प्रॉपर बंदे को फॉलो नहीं कर रहे देखिए फॉलोइंग करनी है आपको काफी सारे बंदे जो है ना स्टॉक मार्केट्स में मिलते हैं जिनको आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं बट द पॉइंट इज डेड कि आपको अपने आप को फॉलो करना है आपको अपने सिस्टम बनाने तो आज का हमारा जो वेबिनार है वो इसी बेसिस पे है कि हाउ टू कंट्रोल यूर इमोशंस मे पर्सनली इस जो रेजिस्टेंस को मैंने कैसे क्लियर किया इस हर्डल्स को मैंने कैसे क्लियर किया मैं आपको जो ना ये सारी चीजें आज इनशा इस वेबिनार के अंदर हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वेबिनार होने लगा है चीज़ें देखें साइकोलॉजी बेस्ड जब चीज़ें होती हैं तो ना मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है चीज़ें रिपीट होती हैं अगेन 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 रिपीट होती हैं बट द पॉइंट इज डेड कि आपको ये सारी चीज़ें समझनी है आपको इन सारी चीज़ों को एक लाइक हम ये हर एक टूल है जिसकी बेसिस पे आप जो है ना वो कंबाइन करके अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो और आप फिर ट्रेडिंग वगैरह जो है ना वो कर रहे होते हो ठीक है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है अच्छा आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे ठीक है वो जो है ना मैं आपको बता देता हूँ इसमें हम मोस्टली बात करेंगे अपने सेटअप्स पे सिस्टम्स पे मैं पिछले दो तीन वेबिनार से ग्रुप के अंदर भी ये चीज बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ कि क्रिएट यूर ओन ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट यूर ओन ट्रेडिंग सेटअप तो ये मैं बहुत ज्यादा इसी वजह से कर रहा हूँ बिकॉज uh, मैंने जो चेंजेस इसमें देखी अपनी ट्रेडिंग रिजल्ट्स uh, के अंदर अपने ट्रेडिंग स्टाइल में तो मुझे इसने बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया देखें वी ऑल आर लर्नर हम यहाँ पे रोज मार्केट हमें कोई ना कोई नई चीज सिखाती है मार्केट रोज नया सबक सिखाती है आपको तो मार्केट कभी इसका पे करती है आपको सिखाने का इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और कभी आपसे कॉस्ट चार्ज कर दी है इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस तो आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं वो हाईली कॉस्टली होती हैं इन स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी हर मिस्टेक जो है ना वो कॉस्ट रखती है ये बात मेरी आप जो है ना इसको लिख लें कि आपकी हर ट्रेडिंग मिस्टेक स्टॉक मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है आइदर इट कॉस्ट यू इन फॉर्म ऑफ लॉसेज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल जो है वो लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स का लॉस होना और इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी गॉस आपका एक बहुत अच्छा सेटअप आपने मिस कर दिया बहुत अच्छी ट्रेड आपने मिस कर दी बहुत अच्छा प्रॉफिट में जा रही थी लेकिन आपने जल्दी की और आपने जो है ना वो अपनी ट्रेड्स को क्या किया जल्दी क्लोज किया जिसकी वजह से जो है ना वो आप एक बिग रन एक बड़ा जो है ना वो रन फॉलो करना छोड़ दिया और आपने जल्दी से कोई प्रॉफिट लेके निकल गए तो ये जो है ना हम सारी चीजें आज कवरअप करेंगे अच्छा देखें हम स्टार्ट करते हैं ठीक है और हम जो है ना सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्स द प्राइमरी इशू ठीक है अच्छा मैंने ये जो इशू राइट नाउ क्रिएट किया है जो मैंने इशू जो है ना वो बताया है तो ओवरऑल अगर हम इसकी uh, जो है फ्रंट सीज देखें ना वो साइकोलॉजी पे आती है ठीक है ये साइकोलॉजी जिसकी सेट नहीं है वो बंदा कभी भी ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ माइंड ठीक है ट्रेडिंग गेम ही माइंड का इट इज द गेम ऑफ माइंडसेट आपका अगर माइंडसेट सेट नहीं है आपकी माइंड आपका जो है ना आपका आपको एक अच्छी स्ट्रेटजीज नहीं बता रहा लिटरली यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम दिस मार्केट तो ये ओवरऑल साइकोलॉजी पे आता है लेकिन हर बहुत सारे बंदे साइकोलॉजी साइकोलॉजी पे बात करते हैं बट लिटरली डोंट नो हाउ टू कंट्रोल साइकोलॉजी हाउ टू कंट्रोल यूर माइंड हाउ टू सेट यूर माइंड अगर हम हमें एक चीज पता है एक एनालिस्ट है या कोई भी बात कर रहा है बहुत ज्यादा इस चीज पे कि भाई रिस्क मैन साइकोलॉजी 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 लेकिन वो आपको एक मेथड नहीं बताता कि यार ये साइकोलॉजी पे आपको काम कैसे करना है ये साइकोलॉजी को लेके कैसे चलना है तो यहाँ पे जो है ना वो बहुत सारी चीज है जो है ना वो फिर आ, एक अगेन एक पैराडॉक्स में चली जाती है कि यार हो क्या रहा है करना क्या है लिटरली जो है ना मतलब हम किस चीज को फॉलो करें कि हम एक अच्छी और वे में ट्रेडिंग कर सकें ताकि एक कंसिस्टेंट इनकम यहाँ से निकाल सके कंसिस्टेंट प्रॉफिट हम बना सकें ठीक है अब देखिए वॉट द प्राइमरी इशू इज अगर हम इस पर बात करें इस पर मैंने काफ़ी सारे जो है ना वो सर्वेस कंडक्ट किए थे मैं आपको बताता हूँ और वो सर्वे इसी बेसिस पे थी कि भाई आप लोग ट्रेडिंग में क्या इशू जो है ना फेस कर रहे हो ठीक है ना आपका क्या इशू है और क्या असल मसला क्या है ये मैंने यू में भी किया मैं अपने ग्रुप में भी पूछा रहता हूँ तो सबसे पहले जो इशू था वो आ रहा था एंट्री इशू आप आइडिया नहीं कर पा रहे थे कि आपको एंटर कहाँ होना है आपको एग्जिट कहाँ लेना है मार्केट से तो सबसे बड़ा इशू ही ये आ रहा था ठीक है एंट्री का इश्यू आ रहा था सेकंड ये आ रहा था कि एग्जिट इश्यूज़ ठीक है हमें ये नहीं पता कि यार हम एग्जिट कैसे करें फिर कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर लॉट साइज मैनेजमेंट नहीं हो रही ठीक है लॉट साइज मैनेजमेंट का इशू एक आ रहा था एक बच्चा ये कह रहा था कि सर जो है ना वो मेरी एंट्री भी परफेक्ट है एग्जिट भी ठीक है लेकिन जो है ना मेरी स्टॉक सेलेक्शन में इशूज है स्टॉक सेलेक्शन में जो है ना वो नहीं कर पा रहा या स्क्रिप्ट की सेलेक्शन में नहीं कर पा रहा तो ओवरऑल अगर हम बात करें नॉर्मली चीज़ों को देखें तो वो क्या होता है वो इशू इसी चीज़ पे आता है कि वी डोंट हैव प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम और ट्रेडिंग सेटअप हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कोई सेटअप नहीं है जिसकी बेसिस पे हम रिपीटेटिवली जो है ना वो अगेन एंड अगेन से आ, वो करें अच्छा इसके अलावा कुछ रैंडम इशूज़ भी थे कि हाउ टू सेलेक्ट द ब्रोकर हाउ टू यूज़ एम टी फोर एम टी फाइव ब्रोकर एप्लीकेशन डेट ऑल आर इलेवेंट ये रेलिवेंट नहीं है कि मैं जो है ना वो यहाँ पे डिस्कस टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का इट्स टू इजी आप चाहे तो अपना गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन इजीली गूगल पे मिल जाएगी आपको आई आई एम एम नॉट नॉट गोइंग गोइंग टू टू डिस्कस दिस दिस वेस्ट टाइम टाइम ऑन स्मॉल ठीक है अब असल इशू जो आ रहे थे वो एंट्री इश्यूज थे एग्जिट इश्यूज थे लॉट साइज मैनेजमेंट थी हम जो है ना लॉट साइज नहीं कर पा रहे थे कभी वो ओवर साइज कर जाते थे ठीक है अच्छा इसमें एक और इशू बहुत ज्यादा ये था एक और इशू बहुत ज़्यादा ये था कि ट्रेड किस टाइम पे करना है हमें ठीक है ट्रेड किस टाइम पे करना है ट्रेड सेशंस या ट्रेड टाइमिंग्स हम जिसकी कहें ट्रेडिंग की टाइमिंग्स क्या है ठीक है

मैं आपको यहाँ पर अपना ट्रेडिंग स्टाइल बता रहा हूँ uh, चार पांच साल से इसको टेस्ट कर रहा हूँ एंड आई एम मेकिंग अ गुड मनी बाय यूजिंग दिस स्ट्रैटेजीज यूजिंग दिस सिस्टम्स तो इन सारी चीजों को बिना uh, मिला के बनती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ठीक है इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ताकि अब हम इन सारी चीजों को वन बाय वन इश्यूज को डिस्कस करते हैं और जितना पॉसिबल हो मैं आपको इसमें कोशिश करूंगा इस सेशन के अंदर चीजों को कवर अप करने की और इनशाला जो है ना इस सेशन के बाद आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा लेकिन द पॉइंट इज डेड कि आपको जो है वो जो भी मैं यहाँ पे टिप्स वगैरह या जो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी अदरवाइज जो है ना वो आप जो है ना वो भले ये सेशन लेते रहें और इस तरह के हजारों सेशन ले लें आप नहीं नहीं कमा सकते। नहीं कमा सकते, सकते। ठीक है, है है? आप सबसे जो का वो है एंट्री, एंट्री और एग्जिट अच्छा, जो ना ये दो तो मेन चीज है और गेम ही ये है ठीक है मैं अक्सर स्टूडेंट से ही कहता हूँ कि मैं आपको एक मिनट में समझा दूंगा कि हाउ टू बाय ठीक है बाय कैसे करना है ये एप्लीकेशन है ऑन करो ये बाय वाला नीला बटन दबाओ बाय हो जाएगा लाल बटन दबाओ सेल हो जाएगा ठीक है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेड के व्हेन टू बाय बाय करना कब है किस रेट पे करना है क्यों करना है क्या बाय करने से पहले मेरी ट्रेड ऊपर जाएगी क्या बाय अगर मैं करता हूं अगर मेरी ट्रेड लॉस में जाती है तो वो कितने लॉस में जाएगी सो दिस इज इश्यूज तो हम इसको डिस्कस करेंगे और ओवरऑल जो हमारे डेली सेशन और वीकली सेशन हम अपने ग्रुप्स में कंडक्ट कर रहे होते हैं विद अवर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स तो उसमें हम ये सारी चीजें बता रहे होते हैं एक्चुअली हम uh, हम सिग्नल ग्रुप रन करने की बजाय हम इस चीज को प्रेफर करते हैं कि आपको अपने पर्सनल ट्रेडिंग

अब अगर हम तीन इन तीनों चीजों की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उससे बनती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक है रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट देखिए रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपके पास आता है कि लॉट पर साइज ठीक है सॉरी रिस्क पर ट्रेड कि आपको रिस्क कितना लेना है अपनी पर ट्रेड पे अब देखिए ये डिपेंड करता है यार ये चीज डिपेंड करती है इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टॉलरेंस आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है आपका अकाउंट बैलेंस कितना है आपकी जो है ना रिस्क कैपिटेट क्या है आप किस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हो आप फॉरेक्स को ट्रेड कर रहे हो या आप स्टॉक्स को कर रहे हो चलो स्टॉक्स को भी कर रहे हो तो एक्सपोर्ट कर रहे हो फ्यूचर्स में काम कर रहे हो ऑप्शन में एफ में काम कर रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स बट आई वुड सजेस्ट आई वुड सजेस्ट जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि देखें अगर आप आपका अकाउंट बैलेंस अगर आपका अकाउंट बैलेंस 500 डॉलर से कम है ठीक है तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट जो है ना वो डॉलर बेस रिस्क पे चलेंगे आप डॉलर बेस रिस्क पे चलेंगे ठीक है अब जैसे मेरी सजेशन ये होती है अगर पांच पांच सौ से कम है ना आप पांच डॉलर पर ट्रेड पे रिस्क ले लो ठीक है अपना आरपीडी पांच पे फिट कर लो

लेकिन अगर आपके पास पच्चीस हजार डॉलर का अकाउंट है अगर आपके पास पचास हजार डॉलर का अकाउंट है इसके अंदर आप मंथली टेन परसेंट भी अचीव कर लेते हो या पांच परसेंट भी अचीव कर लेते हो तो ये बहुत बड़ा जो है ना वो है क्योंकि यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड चेंज हो जाता है यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज हो जाती है मैं पर्सनली जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड और जो है ना मेरे सेटअप्स को मैं ग्रेड देता हूँ ठीक है सेटअप्स को मैं ग्रेडिंग करता हूँ ग्रेडिंग मींस ये कि अगर मेरा कोई सेटअप ए प्लस प्लस है या ए प्लस सेटअप है तो मैं नॉर्मली उसमें जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट का रिस्क ले लेता हूँ ठीक है अगर कोई मेरा सेटअप ग्रेड ए का है ठीक है मेरा सेटअप ग्रेड ए का है तो मैं उसमें नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि जीरो पॉइंट फाइव परसेंट रिस्क ले लूँ ठीक है और अगर मेरा सेटअप है मेरा सेटअप है नियरली जो है ना वो अगर हम बात करें सी सी कैटेगरी का या ए कैटेगरी का नहीं है तो मेरी कोशिश यह होती है मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं, क्या करूं? मैं अब सिर्फ जीरो पॉइंट टू फाइव पे ही स्ट्रिक्ट रहा हूं। और अगर मैं बिल्कुल ही कोई सी माइनस की तरफ जा रहा हूं तो मैं जो है ना वो बहुत ज्यादा रिस्क को कम कर लेता हूँ इवन जो है ना मेरे बी सैटअप्स के ऊपर जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो जीरो है और मेरे सी सेटअप या सी माइनस सेटअप्स के ऊपर मेरी जो स्ट्रेटेजी होती है वो जीरो होती है तो अब आपने आप अपने जो है ना उसको अकाउंट बैलेंस के हिसाब से इन सारी चीजों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं सो दिस इज माय रिस्क मैनेजमेंट ठीक है अब देखिए अगर कोई अच्छा सेटअप है मुझे लग रहा है ए प्लस सेटअप मेरे क्या है ये हम इस पर कभी और वेबिनार करेंगे कि वो किन की बेसिस पे ए प्लस सेटअप बनता है पी सेटअप बनता है वो सारे एंट्रीज जो है ना क्राइटेरिया पे आ जाते हैं कि वॉट द एंट्री क्राइटेरिया इज वॉट द एग्जिट क्राइटेरिया इज ठीक है तो ये चीज जो है ना वो हो जाती है हमारी ये हमारी रिस्क मैनेजमेंट है ठीक है अच्छा रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैंने अपनी एक फाइल भी बनाई हुई है मैं आपको वो फाइल भी विजिट शो करवा देता हूँ ताकि आपको एक हल्की का फुल्का सा आइडिया हो जाए ये मेरी रिस्क मैनेजमेंट की फाइल है अच्छा ये फाइल अगर मेरे देखें कुछ रूल्स भी है ये फाइल ओपन ना हो मैं लैपटॉप पे ना बैठा मैं ट्रेड ही नहीं लेता ठीक है, है अब ये जैसे तो मैं नियरली एटी वन डॉलर इंटू थ्री तकरीबन टू फोर्टी डॉलर का रिस्क ले लूंगा और मैं स्टॉप लॉस कैलकुलेट करूंगा अपना डॉलर के अंदर जैसे अगर मेरा पांच डॉलर का स्टॉप लॉस बनता है तो मैं सिक्सटीन शेयर बाय करूंगा पर लॉट साइज ठीक है अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स के अंदर जो है डिपेंड करता है कि आप फंडेड कंपनीज के साथ काम कर रहे हो या आप जो है ना वो नॉर्मली ट्रेड कर रहे हो अपने रियल फंड्स के साथ या आप सेंट अकाउंट यूज कर रहे हो वैसे हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि यार आप सेंट अकाउंट पे काम करो वन क्या आप सेंट अकाउंट पे काम करो बट सेंट अकाउंट पे ना काम करो विद विदर माइंड सेट उसको डबल ट्रिपल नहीं करो भाई एक स्ट्रेटेजी के साथ जो है ना वो आप उसको लेके चलो कि कैसे जो है ना वो आपको करना है सिलेक्शन कैसे काम करना है ठीक है ये चीज़ बहुत ज्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है मैं अभी आपको अपने सेटअप्स भी शो कराऊंगा अपनी ट्रेड जो मैंने शेयर की थी ग्रुप्स के अंदर वो भी मैं आपको दिखा दूंगा और काफी सारी चीज़ें इन शाला मैं आपको शो कराऊंगा सो दिस इज माय रिस्क मैनेजमेंट फाइल इफ़ एनीवन वांट्स ये स्टूडेंट्स के साथ तो मैंने शेयर की भी है वो उसका बहुत अच्छा वर्जन है मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगा डजेंट मैटर ठीक है ये मेरी रिस्क मैनेजमेंट फाइल है अब नेक्स्ट हम अगेन अपने टॉपिक पे आते हैं सही है अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो बात है हमने रिस्क मैनेजमेंट पे बात कर ली ठीक है रिस्क मैनेजमेंट हमारा हो गया अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडिंग स्टार्टअप की सही है अब अगर देखिए आपको स्टिल यू आर फेसिंग इश्यूज इमोशंस स्टिल यू आर फेसिंग नॉट मतलब कॉन्फिडेंट ऑन योर ट्रेड्स आप क्या करो आप सबसे लोवेस्ट साइज पे चले जाओ सबसे जीरो इन फोर और वन शेयर डेट सेट एक एक शेयर बाय करो एक शेयर सेल करो और फॉलो सिस्टम टू नियरली हंड्रेड एंड टू हंड्रेड ट्रेड सो दो सौ ट्रेड पे आप इस सिस्टम को फॉलो करो लिटरली आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत बड़ी चेंजेस चेक करोगे जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जो बात मानते हैं मैं उन्हें कहता हूं कि भाई आपको टास्क भी देता हूं यार आप प्लीज़ जो है ना इस मेथड्स को फॉलो करो और सिंपली वो करो देखिए अब हमारे पास जो ये स्कूल नहीं है नाइन मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर ये नहीं है कि हम किसी को पनिश करें और नॉट कम्प्लीटिंग द टास्क या हम उस किसी को ग्रुप से निकाल दें या कुछ कर लें हर एक प्रॉपर पॉलिसी है और हर चीज़ क्या है कि हर बंदा जो ना है ना यहाँ पे अपनी फील्ड का प्रोफेशनल है तो इस वजह से जो है ना ये सारी चीजें आपके ऊपर होती है आप कैसे फॉलो करें ठीक है अब देखें ये हो गया हमारा Uh, जो है ना वो प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट का एरिया ठीक है रिस्क मैनेजमेंट हमारी जो है ना क्लियर होगी हमें पता होगा हम जो है ना वो उस हिसाब से फिर रिस्क लेंगे और उस हिसाब से जो है ना हम जाएंगे देखिए कैलकुलेटेड रिस्क जो है ना वो आप लो कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या है आपको कैलकुलेटेड जो है ना वो रिस्क लेना है. इससे क्या होगा अब आपकी एक साइकी सेट हो गई आपने कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया आपने कहा यार चलो ठीक है अगर आंधी तूफान भी आती है मार्केट तबाह भी होती है मेरा ये लॉस है ठीक है और दूसरा एक फार्मूला मैं बच्चों से कहता हूँ एच रूल HNL रूल को फॉलो करें देखें इस चीज को आप अपने जहन में बिठा लें इस चीज को आप अपने जहन के अंदर फिक्स कर लें कि यार आपको यहां लॉस होगा यू आर हियर फॉर लॉस यू हैव यू नीड टू टेक द लॉस आपको लॉस होगा आप कोई ऐसा मंत्र कोई ऐसी स्ट्रेटजी कोई ऐसा सिस्टम नहीं अवेलेबल जो आपके लूजिंग ट्रेड्स को कम कर सके यू कांट कंट्रोल द लॉसेस बट यू नीड टू मैनेज देम आपको इन्हें मैनेज करना है आपको कभी भी इनको खत्म नहीं करना ये खत्म नहीं होंगे भाई ये जिंदगी का पार्ट है लूजिंग ट्रेड आप कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं कर सकते ये लूजिंग ट्रेड्स आप मैनेज कर सकते हो कि कितनी Amount में कम लूज करूं आप अपनी, आपने ट्रेड नहीं करते, आप को लिखते नहीं हो अगर आप अपनी को कर लो, अगर आप अपनी अपनी को को कर कर लो, लो, अगर तो आपको पता चल जाएगा what the primary issue is, मसला क्या आ रहा है भाई। अभी आपको मैं रैंडमली बताऊं जिस बच्चों ने ट्रेड किए मसला यही है कि सर हमने क्या करा हमने ओवर साइजिंग की रिवेंज ट्रेडिंग की और हमने ना लॉसेस वाली ट्रेड जो ना वो होल्ड की और एकदम न्यूज आई और उसने जो ना वो हमारा अकाउंट ही वॉश आउट कर दिया तो वो एक ही मिस्टेक अगेन 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 आप करते हो ठीक है तो इसका क्या है कि कोई लर्निंग नहीं हो पा रही आपकी क्योंकि आप चीजों को डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे आप जर्नलाइज नहीं कर रहे एचएनएल एच एन एल रूल हमें क्या बोलता है आपको होल्ड करने हैं प्रॉफिट और आपको लॉस लेना है मतलब आपने ट्रेड ली ही लॉस के लिए ठीक है आपने ट्रेड ली ही लॉस के लिए और थर्ड पॉइंट इज डेड ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ये प्रोबेबिलिटीज का गेम है ये गेम ही जो है ना हमारा प्रोबेबिलिटी का है ये कभी भी हंड्रेड परसेंट ये परसेंट शॉर्ट ट्रेडिंग जो है ना गेम नहीं है हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं स्कैमर्स के हंड्रेड परसेंट विनिंग सिग्नल्स भाई हंड्रेड परसेंट गोल्ड के विनिंग सिग्नल्स आप दे रहे हो हंड्रेड परसेंट विनिंग स्ट्रेटजी आपके पास है तो फिर आप यार मेरे पास लिटरली जिस दिन मुझे हंड्रेड परसेंट श्योर हंड्रेड परसेंट विनिंग स्ट्रेटेजी मिल गई ना मैं सबसे पहले ये ये ट्रेडिंग स्कूल ये ट्रेड कोर्स ये रिसर्च वाला बिजनेस ये सब बंद करूंगा सारे सोशल मीडिया बंद बस अब मैं क्या करूंगा एक करोड़ रुपए डायरेक्ट लगाओ तो हंड्रेड परसेंट दो करोड़ हो जाएगा स्ट्रेटेजी में दो करोड़ को चार करो चार को आठ करो आठ को करो सोलह सोलह को करो बत्तीस तो आप तो करोड़पति हो गए तो भाई ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज तो ये सारे स्कैमर्स है आप इनको जो ना सबसे पहले हमारे ग्रुप से काफी नंबर जो है ना वो निकाल जाते हैं फिर स्पैमिंग की जाती है आप इनको ब्लॉक करें और चाहे तो दो तीन गाली भी देते हैं अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है आपका सही है तो दिस इज दिस इज द रूल्स ठीक है दिस इज द रूल्स अब अगर हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग सेटअप एंड सिस्टम क्या है क्योंकि हमने इशू किया था हमारा एंट्री और एग्जिट का सबसे पहले इशू था बाकी ओवर साइज का रिस्क मैनेजमेंट का वो सारा हमने डिस्कस अभी कर लिया सही है आप चाहे तो students, तो आप चाहे चाहे तो 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 रिकॉर्डिंग 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 इसको अगेन देख देख लीजिएगा लीजिएगा आई विल प्रोवाइड द द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स इट्स नॉट अ बिग डील और चाहे चीजों को जो ना थोड़ा थोड़ा सा डॉक्यूमेंट भी करें लेक्चर भी देखें ये लेने का भी एक मेथड होता है मैं हमेशा लेक्चर लेता हूँ एक मेरे पास नोट पेड ओपन होता है मैं उसमें नोट डाउन कर रहा होता है बहुत सारे आप में लेटे हुए होंगे पेड पे मोबाइल का होगा किसी ने जो है ना टांगे ऊपर की भी होंगी और वो लेक्चर ले, ले रहा है तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम ठीक है ये आपकी वैल्यू कोई भी एड नहीं करेगा ठीक है सेकंड अगर हम बात करें ट्रेडिंग सिस्टम का और ट्रेडिंग सेटअप का जो आपकी एंट्रीज एंड एग्जिट में हेल्प आउट करता है सो योर ट्रेडिंग सेटअप इज व्हाट यू ट्रेड ठीक है इट इज व्हाट यू ट्रेड ठीक है और ट्रेडिंग सिस्टम इज दैट हाउ यू ट्रेड इसमें आपकी एंट्री और एग्जिट वाली सारी कहानी फिक्स हो जाएगी ठीक है इसमें आपकी एंट्री और एग्जिट की सारी कहानी जो है ना वो फिक्स आउट हो जाएगी कि कब एंटर होना है कब एग्जिट होना है और मैं कुछ आपको टिप्स वगैरह भी बता दूंगा फिर मैं अपने रिकैप्स आपको दिखा दूंगा जिससे आपको काफी हेल्प होगी ठीक है अब पॉइंट इज डेड पॉइंट इज डेड ट्रेडिंग सेटअप में आप क्या करते हो आप स्टॉक सेलेक्शन करते हो आप यहाँ पे स्टॉक सलेक्शन करते हो प्राइमरली दिस इज यूज फॉर क्रिएशन ऑफ दॉश लिस्ट क्रिएशन ऑफ वॉचलिस्ट ये वॉचलिस्ट बनाने के लिए काम आता है अब आप लोग इतने सारे लोग ट्रेड कर रहे हो आप इतने सारे काम कर रहे हो कभी आपने इतनी मेहनत नहीं की होगी कि मैं अपनी वॉचलिस्ट में खुद बना लूं आप नहीं भाई एक ग्रुप में सिग्नल आया आपने उठा लिया वो सिग्नल देने वाले को भी नहीं पता कि मैं इसमें क्यों सिग्नल दे रहा हूं ठीक है और ट्रेडिंग सेटअप ट्रेडिंग सिस्टम इज डेड दिस इज द फिक्सड क्राइटेरिया फिक्स क्राइटेरिया ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ठीक है इट्स बेस्ड ऑन ई एम एज इट्स बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स इट्स बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये कोई भी जो है ना हो सकता है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर आपके रिस्क टॉलरेंस पे आपके माइंड सेट कि आप किस को फॉलो करो किस को जो है ना वो लेके चलो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू इट्स टोटली जो है ना कि आप किस तरीके से जो है ना वो इसको लेके चलते हो तो ये जो है ना आपका क्या है ये आपका सिस्टम बताएगा कि आपको किसको ट्रेड करना है और आपका सेटअप बताएगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है ठीक है ये चीज चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लिटरली मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया कि मेरी एंट्री कैसे परफेक्ट हो मेरा एग्जिट कैसे परफेक्ट हो और लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम मेकिंग अ बिग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग्स और कंसिस्टेंट मनी फ्रॉम ट्रेडिंग सो जितनी भी आप ये ट्रेडिंग हमारी जो है ना वेबसाइट्स और ये सारी चीजें देख रहे हो सो हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है हमारी ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं ट्रेडिंग रिजल्ट हैं और अगर आप हमारी कोर्स सेलिंग या हमारी रिसर्च सेलिंग साइट की बात करें तो इस पे जो है ना हम अभी इतना ज्यादा मार्केट खुद को नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ टू मेनी अकाउंट्स और टू मेनी ट्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकिन मोस्टली हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो यहीं से आ रही है ठीक है मैं क्या करता हूँ लिटरली जो मैं खुद के लिए ट्रेड करता हूँ मैं खुद की वॉशलिस्ट बनाता हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर कर देता हूँ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल फॉर यू गाइज आई मैं कोई अब्दुल सतार दीदी नहीं हो जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँ ट्रेडिंग कोर्सेज इज द पार्ट इज द सेकेंडरी इनकम और इट इज अ गुड इनकम बेसिकली अगर आपकी टीचिंग स्किल्स हैं तो ये बहुत अच्छी इनकम है आप अगर किसी को गाइड कर सकते हो और दिस इज द विन विन सिचुएशन ठीक है आप मार्केट में आते हो यू नीड टू पे द लर्निंग फी ठीक है आपको लर्निंग फी तो पे करनी है अब आप चाहें तो वो मार्केट की लॉसेस uh, की फॉर्म में करें स्कैम्स आपके साथ हो जाएंगे या आप किसी के साथ प्रोफेशनली कनेक्ट हो जाओ प्रोफेशनल फी दे दो तो. अब देखिए इसका अक्सर जो ना वो कहते हैं भाई आप ट्रेडिंग से कमा रहे हो तो फिर आप जो है ना वो क्यों कोर्सेज क्यों ऑफर कर रहे हो भाई देखिए फ्री के अंदर तो हम नहीं देंगे गवर्नमेंट ये कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है इट्स अ पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट कंपनी ठीक है प्राइवेट जो ना प्रॉपर्टी है ना वो मंथली एनुअली पे करता हूँ आई थिंक फाइव हंड्रेड डॉलर प्लस मैं मंथली पे करता हूँ मेरे पास अगर ओवरऑल रिसर्च की वेबसाइट्स की प्रीमियम की बात करें ना तो नियरली उसके मंथली जो है ना वो साढ़े चार सौ डॉलर से तकरीबन पांच सौ डॉलर तक प्लस बनते हैं जिसमें मेरे पास रिसर्च के एक्सेस है प्रीमियम रिसर्च के जैसे कि बैंसिंग का प्रो है ऑप्शंस फ्लो है ऑप्शंस का डेटा है इसके अलावा जो है ना मेरे पास काफी सारी जो है ना वो ए आई बेस्ड जो है ना हमने काफी सारी चीजें ऐड की हुई हैं स्कैनर्स हैं काफी सारी दूसरी चीजें यूज कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको डेटा फ्री में मिलता है यूएसए में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको डेटा के लिए पे करना पड़ेगा और लिटरली नियरली साढ़े तीन सौ से जो है ना वो साढ़े तीन सौ से चार सौ डॉलर पर मंथ हमारा जाता है डेटा मतलब जो रियल टाइम हमें लेने के लिए ये पे करना पड़ता है देखिए ट्रेडिंग इज नॉट इजी नॉर्मली आप लोग तो ट्रेडिंग यू भी परचेज नहीं करते यार, आप फ्री वाला वर्जन यूज हो प्रीमियम और फ्री में बहुत ज्यादा डिफरेंस है अलर्ट सर्विसेज होती है बहुत सारी चीजें होती हैं सो लेट्स come to the topic what the trading setup and trading system is main usko jo na explain karta hu aapko taki aapko ek idea ho ke how uh, you will make money by this jo hai na by following this trading strategy sawal yaar hum end mein lenge acha dekhe अब सबसे पहली बात यार जो मेरी watchlist बनती है ना जो मेरी stock selection criteria, जिसको मैं कहता हूँ trading setup, जिसको मैं क्या कहता हूँ trading setup, वो मैं बनाता हूँ वो मैं बनाता हूँ ऑन दी बेसिस ऑफ ऑन दी बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया ये क्राइटेरिया मुझे मिलता है मैं अपनी स्टॉक्स को जो है ना वो हाईलाइट कर लेता हूँ ठीक है स्टॉक्स को मैं वर्किंग में ले लेता हूँ और इसकी बेसिस पे क्या होता है फिर मैं अपना जो है ना वो ट्रेड का सेटअप लेके बच्चों के साथ शेयर कर देता हूँ अच्छा आई एम ऑल्सो शेयरिंग ट्रेड इन टैनट ट्रेड ग्रुप ये यूएसए का काफ़ी बड़ा ग्रुप है मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो हर ट्रेड जो दी जाती है ना वो प्रॉपरली बहुत ज़्यादा थॉरली रिसर्च के बाद दी जाती है तो इस वजह से मेरी ट्रेड ना आपको कम मिलेंगी अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर आपकी ट्रेड बहुत ज़्यादा कम है तो भाई मैंने उसका रीज़न बताया हाई प्रॉपरिटी जो मैं नहीं ले रहा आपको क्यों कराऊँ मैं सारा दिन बैठ गया मैं मेरे पास मसला नहीं है मैं आपको चालीस पचास स्टॉक्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ये और ये और वो ड्रा करके दे दूँ लेकिन वो मूव भी नहीं करेंगे आपका कैपिटल स्टॉक लिमिटेड कैपिटल है तो कैसे उसको यूज करना है हर चीज देखें एफिशिएंटली यूज करनी है टाइम को एफिशिएंटली यूज करना है

सारी रिसर्च को परचेस किया बट वो रिसर्च हमें जो है ना वो बताती है कि इस इस एनालिस्ट ने जैसे बोफा सिक्योरिटीज है गोल्डमैन सेक्स है टी डी एम यूएसए की मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ यूएस तो है, 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 है तो वो जो है ना अपग्रेड करती हैं कि भाई ये स्टॉक्स जो है ना बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट है आप प्रॉफिट टारगेट्स बढ़ा दिए या डाउनग्रेड्स करती हैं तो वो आप लोग जो है ना मैं ऐड कर लेता हूँ आज इनको अपग्रेड डाउनग्रेड किया गया ठीक है अर्निंग्स देखिए ये भी किसी रीजन की बेसिस पे जो है ना अपग्रेड डाउनग्रेड करते हैं रैंडमली ये भी नहीं करते अर्निंग्स कोई अर्निंग्स बीट होती तीन

अप्रूवल हो जैसे कोई लाइक रिसर्च कंपनी है बायोटेक के अंदर कोई एफडीए से अप्रूवल मिल जाता है कोई वर्डिक्ट आ जाती है फेवर ऑफ द कंपनी कोई uh, जो है ना वो क्लेम्स लग जाते हैं कोई प्लेजेस वगैरह लग जाते हैं या कोई पेनाल्टीज लग जाती है तो कोई भी ऐसा इशू जिसकी वजह से कंपनी के बिजनेस को वो हो तो वो जो है ना वो आपका हमारी वॉच लिस्ट में आ जाता है आप देखिये इस इस रीजंस की बेसिस पे वॉच लिस्ट पिक करने का बेस्ट मेथड बताया गया है स्टॉक हमारा मूव करता है हमारा स्टॉक साइडवेज में नहीं रहता क्योंकि जब तक बिग प्लेयर्स जो है ना वो मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे आप लोगों की जो है ना वो ट्रेड आपकी परफॉर्म ही नहीं करेगी वो वही साइडवेज में घूमती रहेगी वही वही जो है ना वो घूमती रहेगी ठीक है तो ये क्या है मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है अच्छा ये सिस्टम है और ये मेरा सेटअप है तो लॉन्ग ट्रेड्स के लिए मैं क्या करता हूँ लॉन्ग ट्रेड्स के लिए मैं वेट करता हूँ कि जब मार्केट फाइव ट्वेल्व का कर ले

ईएमए की एक्सटेंशन जब प्राइस ईएमए से बहुत ज्यादा दूर चली जाए और उसमें मैं वीएसए का सिग्नल करता हूँ अच्छा वीएसए इज अवर प्राइमरी ये हमारा प्राइमरी सोर्स है वीएसए की बेसिस पे जो ना हम फिर निकाल लेते हैं वीएसए पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ सेलिंग क्लाइमेक्स बॉटम रिवर्सल स्टॉपिंग वॉल्यूम एब्सॉपशन वॉल्यूम एंट्री सिग्नल्स जिसके अंदर टेस्ट आ जाता है

जो है ना वो नो डिमांड एंड अपरास ठीक है ये जो है ना हमारे एंट्री सिग्नल अच्छा ये फिक्स्ड है ये पंद्रह है ठीक है अच्छा वैसे है ये पंद्रह और इसमें भी जो ना हम काफी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बोलती हैं पंद्रह है और ये ये चेंज नहीं करता मैं ये बस मेरे ये कोई क्राइटेरिया इनमें से मिलेगा तो मैं बाय करूंगा वरना मैं नहीं कर रहा ठीक है तो ये क्या है मेरी ट्रेड जो है ना रिपीटेटिव हो जाती है मतलब रोज रोज रोज, रोज एक ही रिपीटेशन से तो बंदा उसका जो ना फिर इतना यूज हो जाता है कि उसको इस चीज़ का मसला ही नहीं होता कि वो ट्रेड कैसे करे स्टॉक सिलेक्शन डेली बेसिस पे चेंज होती है इनकी बेसिस पे अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो हम करेंसीज की जो न्यू फंडामेंटल रिलीज आते हैं हम उसकी बेसिस पे स्टॉक्स को निकालते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट है अब देखिए आपने ये चीज कर ली ये है मेरा ट्रेडिंग सेटअप और ये है मेरा ट्रेडिंग सिस्टम तो ये दोनों जब आप अपना बना लेंगे तो हम जो है ना वो आप एक सक्सेसफुली ट्रेडिंग जर्नी जो है ना आपकी स्टार्ट हो जाएगी बट इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा यू नीड टू मास्टर ऑफ एग्जीक्यूशन जब तक आप मास्टर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं होंगे यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी आर अब वो किस तरीके से होना है वो मैं आपको जो है ना बताता हूँ कि उसमें क्या करना है तो ये एक प्रॉपरली जो है ना वो था हमने इशू आइडेंटिफाई किया अब हमने रिस्क मैनेजमेंट निकाला अब देखिए जब आपकी ट्रेड प्लान है आपकी प्रॉपर ट्रेड प्लान है आपका एंट्री प्लान है आपका एग्जिट प्लान है आपका स्टॉक सिलेक्शन प्लान है आपने कब ट्रेड करना है आपने क्यों ट्रेड करना है आपने कितने साइज में जाना है आपने कितने इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपका माइंडसेट इंक्रीज होगा और आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी सो दिस इज द प्रॉपर ग्राउंड रियलिटी ऑफ द साइकोलॉजी ये है साइकोलॉजी जिसकी बेसिस पे जो है ना सिस्टम्स ड्रा होते हैं जिसकी बेसिस पे सिस्टम्स चलते हैं ठीक है ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि साइकोलॉजी कैसे ड्रा करनी है हमें साइकोलॉजी कैसे बनानी है अब विदाउट इसके इन सारी चीजों के आप कितना भी साइकोलॉजी पढ़ते रहें कितनी भी बुक्स पढ़ लें कितने भी ट्रेडिंग इन दिस को दस दफा पढ़ लें आप आप पैसे नहीं कमा सकते आप अच्छे एनालिस्ट बन जाएंगे लेकिन आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे देखिए एक एक अच्छे अच्छे एनालिस्ट और ट्रेडर में बहुत फर्क है अच्छे एनालिस्ट भले बन जाएं आप भले नजूमी बन जाएंगे ये मार्केट ऊपर जाएगी अब बहुत से नजूमी मार्केट में घूम रहे होते हैं कि यार मैंने बोला था बी ऊपर जाएगा मैंने बोला था गोल्ड ऊपर जाएगा भाई आपने बोला या ना बोला बात ही नहीं है इट इज is... प्रोबेबिलिटी क्या है यार एक रैंडम बच्चे को भी मैं पिक करा दूं दो पर्ची में एक बाय लिखूं एक में सेल लिखूं गोल्ड को वो बाय कर ले तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा प्रोबेबिलिटी दो है फिफ्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा वो जाता है वो आज नहीं तो कल जाएगा कल नहीं तो परसों जाएगा अब जो मेन पॉइंट क्या है मेरी जो पर्सनली एक कोशिश होती है वो मेरी ये होती है कि जैसे ही मैंने एंट्री ली अब या तो ट्रेड डायरेक्ट ऊपर जाए या वो मेरा ऐसा एल करके मुझे फ्री अप कर दे अगर वो मार्केट ऐसे 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 घूम रही है ना लिटरली जो ना मेरे लिए ये एसएल से बड़ी मौत है मेरे लिए ये सबसे बड़ी परेशानी वाली बात है अब वो क्यों मैं इस वजह से ही कर रहा हूं। मैं में ट्रेड करता हूँ नहीं करता तो टाइम थीटा की वजह से मेरे की वैल्यू गिर जाएगी अगर ये आज का मेरा ऑप्शन है रात की बजे की एक्सपायरी है और ये एक बजे अगर ये मेरे टारगेट हिट करता है तो मेरे किसी काम का नहीं है वो उसको 12 बजे से पहले टारगेट हिट करना था तो टाइम इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वजह से मेरी ट्रेड जो है ना वो इतनी ज्यादा अच्छी और इतनी ज्यादा जो ना क्विकली ट्रेड्स होती हैं जो मैं रैंडमली नहीं ट्रेड लगाता मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर सेटअप से हो सिस्टम से हो ठीक है तो ये जो है ना आपको क्या करना है ये सिस्टम फॉलो करना है ठीक है अब मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ एंड देन जो है ना फिर मैं आपके साथ एग्जाम्पल्स शेयर कर लूंगा और हम पे क्यू एन ए सेशन के बाद इस सेशन को क्लोज कर देंगे ऑलमोस्ट जो है ना वो हमारा वन आवर था और नियरली हम फोर्टी फोर्टी मिनट्स हमारे हो चुके हैं देखें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्रिएट यूअर एक्सल जर्नल ठीक है क्रिएट फाइल जहाँ पे आप अपनी टैब्स प्रॉपरली मेंटेन करें आप अपना सिस्टम लेके चलें मैं आपको बता रहा हूँ कितने आपको कॉलम्स बनाने एक कॉलम आपको डेट का बनाना है एक कॉलम आपको स्क्रिप्ट का बनाना है स्क्रिप्ट मतलब आपने किस में बाय किया एक कॉलम आपको बनाना है लॉन्ग या शॉर्ट का ठीक है एक कॉलम आपको बनाना है एंट्री का एक कॉलम एंट्री रेट का ठीक है एंट्री रेट एंट्री रीजन क्यों बाय किया एंट्री क्यों ली भाई ये कॉलम आपको बनाना है ठीक है सेकंड आपको बनाना है ये सारे कॉलम्स आपको बनाने है एग्जिट रेट एग्जिट रीजन भाई क्या रीजन था ऐसे रैंडमली रैंडमली ट्रेड की सर ने बोला था बाय कर लो मैंने कर लिया सर ने बोला था ये कर लो मैंने कर लिया ठीक है फिर आपको बनाना है टोटल मैक और गिवन टोटल पी ठीक है साथ में आपको बनाना है लेसन लर्न कि भाई मैंने क्या लर्निंग की इससे वो जब ये जब आप गलती करके अपनी एक 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 आउटकम पे पहुंचोगे ना लिटरली ये जिंदगी भर याद रहेगी आपको अब इसके लिए अगर आप परेशान हो कैसे करना यार स्टार्ट विद सिंगल शेयर वन सिंगल शेयर बाय करो एक महीने तक ऐसे कर लो बस एक शेयर बाय करो एक शेयर सेल करो उसी में रहो एक महीने बाद जब आपकी सो दो ट्रेड हो जाती है आपको सिर्फ एक की जगह पे सो करना है कुछ नहीं करना इमोशंस आपके वही होंगे सब अब एक की जगह पे सो है आपको सो की जगह पे फिर हजार करना है फिर सो, हजार की जगह पे आपको दस हजार करना है जैसे जैसे आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ता है जैसे जैसे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है पैसा मिल जाता है पैसा हर जगह से मिल जाता है असल चीज क्या है कि हाउ यू मेक मनी हाउ यू मेक कंसिस्टेंट मनी विद्रेडिंग बहुत यहाँ पे लोग आते हैं बहुत चले जाते हैं बहुत सारे बंदे जो मेरे मैंने ऑब्जर्व किए फ्रॉम 2019 थाउजेंड नाइनटीन आई एम ट्रेडिंग सिंस 17 तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी बहुत सारे बड़े बड़े ग्रू मार्केट से एक्सिट हो गए अगर कोई मार्केट में बैठा पाए ना तो वो पैसे कमा रहा है आई एम फ्रॉम सी ए बैकग्राउंड आई एम फ्रॉम एंड बैकग्राउंड तो ये चीज क्या है ये चीजें जो है ना वो आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली फंडामेंटली पैक करने में हेल्प आउट कर सकती है अदरवाइज मैटर यार यू आर फ्रॉम द मेडिकल साइड यू आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग साइड यू आर फ्रॉम दाउसवाइफ साइड आप हाउस वाइफ है स्टूडेंट है चिल्ड्रेंस है कोई मसला नहीं है यार यू नीड टू लर्न द प्रोसेस यू नीड टू लर्न द प्रोसेस जब तक आपका प्रोसेस नहीं है आप नहीं समझो अभी आपका जो माइंडसेट है ना वो पता ही क्या है आपका मनी ओरिएंटेड माइंडसेट है कि यार मैं सुबह उठूंगा डेली में दस डॉलर कमाऊंगा महीने के तीन सौ डॉलर हो जाएंगे तीन सौ डॉलर नब्बे हजार भी आए भी अब तीन दिन आपको ट्रेड नहीं मिली आप जबरदस्ती के ट्रेड करोगे आपको ये शिफ्ट करना है प्रोसेस ओरिएंटेड माइंड और जब आप ये प्रोसेस ओरिएंटेड पे आ गए ना आपका लिटरली आप यू विल मेक इन सैन मनी फ्रॉम द दर्किट अब इसमें ये कैसे आओगे आप ये ऐसे आओगे आपको सारी चीजें फॉलो करनी है डिसिप्लिन फॉलो करना है रूल्स रेगुलशन ये चीजें फॉलो करनी है आपको अदरवाइज यार यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी ठीक है जब ये करो हाइड यूर पी एन एल प्रॉफिट एंड लॉस अपना हाइड कर दो डजेंट मैटर यार क्या जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है ठीक है तो ये चीज है ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अच्छा अब ये कैसे क्रिएट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा एक्सेल ये देखें ये मेरा ट्रेड जर्नल है अब ये जो आप देख रहे हो ना ये ये थोड़ा सा पर्सनल है मैं आपको शो नहीं कर सकता ये मेरी प्रॉपरली एंट्री एंड एग्जिट्स हैं तो मैंने काफी इसको वो कर दिया ये देखिए ये मेरा है डेट का कॉलम सही है ये मेरा डेट वाला कॉलम है यहाँ पर जो है ना मेरी डेट्स होती है जो भी मैं मार्केट के अंदर जिस दिन से ट्रेड कर रहा हूँ वो है टिक्कर है मेरा जो है ना वो लॉन्ग शॉट एंट्री रीजन एग्जिट अब ये जो रेड रेड आप देख रहे हो ना ये रेड रेड मतलब ये कि यहाँ पे मैंने लिटिल बिट गलती की है अच्छा ये रेड में बहुत सारों में प्रॉफिट हुआ हुआ है ठीक है अगर आप देख रहे हो एंट्री भी रेड एग्जिट भी रेड ठीक है एंट्री और एग्जिट दोनों रेड लेकिन लॉस में हूं मैं तो मैं कहता हूँ ओके नॉट अ बिग डील अगर एंट्री मेरी रेड ठीक है और एग्जिट भी रेड है मतलब मिस्टेक मैंने कर दी और मैं क्या कर रहा हूं मैं जो ना प्रॉफिट कर गया उसमें तो मैं इसको रेड मार्क करूंगा क्योंकि ये एक सिस्टम द नहीं था दिस इज अ फ्लूक मनी ये क्या है एक फ्लूक मनी है और ये एक जस्ट रैंडमली आ गई ये रैंडमली चली भी जाएगी ठीक है अब आपको क्या करना है आपको अपनी एग्जिट और एंट्री जो ना वो प्लान करनी है अगर देखें आपकी एग्जिट प्लान है ठीक है आपका अगर एग्जिट प्लान एंट्री प्लान है प्रॉपरली एग्जिट प्लान है और आपका एस एल हिट हो जाता है तो वो एस एल बहुत स्मॉल होगा ठीक है वो एस एल बहुत स्मॉल होगा अगर आपका एंट्री प्लेन है ठीक है और आपकी अगर एग्जिट भी प्लान है और आपका टीपी हिट हो जाता है तो लिटरली तो चीज आप लिख लें और अपने जो है उस पर भले स्क्रीन शार्ट पे लगा दें आप इसके बिना पैसे नहीं कमा सकते जब तक आप प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं करें ठीक है ये तो हो गया हमारा क्या आपने अपना एक्सेल को जो है ना वो क्रिएट करना ये रियल में लिखना है ये और आप किसी के साथ शेयर भी नहीं करो इट्स यूर पर्सनल लाइक अ बैंक स्टेटमेंट लाइक अ पर्सनल डायरीज़ ये ऐसे हैं ठीक है थीके? अच्छा उसके बाद आपको अपना डिस्कोर्ड जर्नल बनाना है डिस्कोर्स जर्नल कैसे बनाना यार इस यार मैं वीडियो करूंगा आप लोगों के साथ डिस्कोड के ऊपर इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा विद माय स्टूडेंट्स ये कैसे बनाना है मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें आप अपनी हर एंट्री की पिक्चर लेके लगाओगे और पिक्चर लेके वहां रखोगे ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरा डिस्कोड है ये मैं आपके साथ शो करा देता हूँ नॉट अ बिग डील ठीक है अब ये देखिए मैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डूज एंड डोंट्स डू एंड डोंट ये मुझे करने हैं, ये मुझे नहीं करने अब ये मैंने अपने रूल्स बना दिए इधर ठीक है यहाँ पे क्या है फिर मैं अपनी हर चीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ जैसे मैंने वहां पे बताया ना बाइंग क्लाइमैक्स ये देखो मेरी कोई बाइंग क्लाइमैक्स की एंट्री है मैं यहाँ मैंशन करता हूँ

अब देखो टेस्ला की ट्रेड थी टेस्ला को मैंने किस बेसिस पे ऐड किया टेस्ला को मैंने ऐड किया ईपीएस 0.7 टू बीट 0.5 एट एस्टीमेट सेल्स 25.18 बिलियन ठीक है ना 25.37 बिलियन की सेल्स से बुलिश बायस से और मैंने देखो टेस्ला यहाँ ऐड किया ये है मेरा 5 12 का बाउंस ये है 5 12 का बाउंस ये है 5 12 का बाउंस अब इसको हम कहते हैं बाउंस करती भी जा रही है तो जब इतना बड़ा मूव मार्केट दे रही है तो आपको ट्रेड निकालने की नीड नहीं थी मैं तीन मेरी पांच छह स्क्रीन है एक साथ तो ये टेन मिनट फॉर इंड्राडे ट्रेड वन आवर एंड फोर आवर ओवरऑल टाइम फ्रेम में मार्केट वॉज बोलिश ठीक है फिर ये मेरी एम की ट्रेड थी ये जो मेरा सेटअप है यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज ब्रेक

प्रॉपरली टाइम के साथ होनी चाहिए जैसे ये मेरी ट्रेड फिर अगेन एम एस टी आर में थी फाइव टूव ब्रेक पे एड किया फिर यह मेरी ट्रेड थी ताइवान सेमी कंडक्टर्स के अंदर ये नेटफ्लिक्स में ट्रेड थी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली जो ना वो एग्जीक्यूटि ग्रुप्स वगैरह में भी जैसे हम शेयर कर रहे होते हैं टेस्ला मैंने यहाँ भी लॉन्ग करवाया शॉर्ट करवाया ये ए एम डी के अंदर ट्रेड थी ये मेरी गोल्ड के अंदर ट्रेड मैंने शेयर की थी विद अवर स्टूडेंट्स ठीक है ये वाली ट्रेड हमारी कोइन बेस में थी अब देखिए सारा एक प्रॉपर सिस्टम है प्रॉपर सेटअप है जब तक सिस्टम और सेटअप फॉलो नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेगा अब जैसे यहाँ पे मैंने सारे सिस्टम सेटअप लिखे हुए फाइव टूएल्व रिजेक्शन ये सारी एग्जाम्पल्स है फाइव ट्वेल्व रिजेक्शन की अभी हम इनशाला जनवरी में एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं वाले इसमें ट्रेडिंग का लिटरली जो है ना वो बहुत अच्छा आ, मेरी तरफ से 100 परसेंट में अपना ऑप्टिमम उसमें दूंगा और ये मैं उसी के लिए वर्किंग्स वगैरह कर रहा हूँ ये फाइव ट्वेल्व ब्रेक्स का सेटअप है ये फाइव ट्वेल्व बाउंस का सेटअप है यहाँ पे हर चीज एग्जाम्पल के साथ फाइव ट्वेल्व कर्ल इस पे क्या है एक हमें एंट्री का रीजन मिल रहा है कल की ट्रेड है ये मेरी ये कल की ट्रेड है एक्जैक्टली exactly यहाँ पे बाय किया है टेस्ला के अंदर फ्राइडे फर्स्ट नवंबर का ये देखें डेट है डेट वगैरह सब मेंशन है और ये 248 से 249.5 तक दो डॉलर मुझे मिल गए मैंने 50 डॉलर पर पचास शेयर बाय किए थे और मुझे जो ना इस पे तकरीबन हंड्रेड डॉलर्स का प्रॉफिट हो गया फोर टू फा जो ना दस से पंद्रह मिनट के अंदर एम एस आर ठीक है ये टेस्ला अगेन जो है ना वो एनवीडिया ये सारी क्या है फाइव टूवेल्व ब्रेक के सेटअप से अब ये देखिए ये जब ये डेली रिपीटेशन हो रही है ना तो बहुत अच्छा जो है ना वो मिलता है फाइव ब्रेक एंड रिक्लेम थर्टी फोर रिजेक्शन थर्टी फोर फिफ्टी बाउंस थर्टी फोर फिफ्टी क्रॉस

फिर ये मेरा ट्रेडिंग सिस्टम और ये मेरा सेटअप है जैसे गैप अप्स जितने भी गैप अप्स होते हैं मैं उनको यहाँ ट्रेड करता हूँ यहाँ पर आ जाते हैं गैप अप्स गैप डाउन्स। गैप गैप ठीक है पे के सेटअप्स आते हैं फेल्स अर्निंग्स ये सारे सेटअप्स जो है ना अपग्रेड्स डाउनग्रेड्स में यहाँ पे कर रहा होता हूँ ठीक है अब ये क्या है ये लिटरली जो है ना जब तक एक प्रॉपरली क्राइटेरिया मीट नहीं होता प्रॉपरली सिस्टम मीट नहीं होता मैं ट्रेड नहीं लेता मैं छोड़ देता हूँ कभी कभी ऐसा भी होता है ट्रेड ही नहीं लिया अब जैसे कि अगर मैं अपना अभी ग्रुप आपको शो कराऊं तो मैंने गोल्ड के अंदर नहीं ट्रेड ली मैं आपको अपनी दूसरी स्क्रीन के थ्रू जो है ना वो चीज़ें दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो बाकी देखिए ये मेरी यू की प्रोफाइल है मैं आपको ये भी शो करा देता हूँ यूएसए की मेरी प्रोफाइल अच्छा हमने साइकोलॉजी पे काफ़ी सारे सेशंस किए हुए हैं हमने वर्किंग्स की हुई हैं काफ़ी सारी और ये आप ट्रेड स्कूल की वेबसाइट पे अगर कोर्सेज में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक फ्री कोर्सेज़ का जो है ना वो मिल जाएगा यहाँ पे साइकोलॉजी सेटअप सिस्टम की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस फ्री में अपलोड की हुई हैं और ये ओपन फॉर ऑल है आप चेक कर सकते हैं अच्छा दिस इज़ माई ट्विटर प्रोफाइल ये मेरी ट्विटर प्रोफाइल है फोर यू एस के नाम से और यहाँ पे जो ना मैं ट्रेड करवा रहा होता हूँ और हम यहाँ पे जो ना डेली बेसिस पे ट्रेड्स शेयर कर रहे होते हैं और यहाँ पे हर चीज प्रॉपरली चल रही होती है अच्छा ये इस बंदे के साथ जो ना मैं ट्रेड करा रहा हूँ रिपस्टर इसके चार लाख प्लस फॉलोवर्स हैं फ्रॉम द एस और हम ये ग्रुप रन कर रहा है टेनेट के नाम से टेनेट ट्रेड ग्रुप के अंदर जो ना हम ट्रेड करा रहे हो यहाँ पे मंथली चार्ज जो कर रहे हैं ना इवन दो डॉलर प्लस जो है वो चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर वन अभी हेलो इनका डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है तो ये बंदा जो है ना इसके साथ मैं मिलके ट्रेड कर रहा था कल मैंने इसके साथ भी से, आ, सेशन था इसका ए प्लस सेटअप्स का तो हर जगह से लर्निंग से हर जगह से जो है ना है और इसी तरीके से जो है ना वो आप इसमें मार्केट्स के अंदर पैसे कमाओगे इसके अलावा ये हमारा ट्र, ट्रेड स्कूल का जो है वो पेज है फेसबुक का आप इस पर जाके चेक करें बहुत सारा लर्निंग मटेरियल आपको यहाँ भी मिल जाएगा स्टूडेंट्स के फीडबैक स्टूडेंट्स के सिस्टम सा, काफ़ी सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी अच्छा मैं आपको अपनी दूसरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि थोड़े बहुत चार्ट्स में आपको दिखा दूँ अपने सेटअप के आपको आइडिया हो जाए एंड देन थोड़ा सा क्यों न सेशन करके वी आर गोइंग टू क्लोज सेशन मेरी सेकेंड स्क्रीन आपके साथ विजिबल है अच्छा ये मेरा जो है ना वो सेटअप है स्टॉक uh, मार्केट uh, का जिसमें मैं एक्टिवली ट्रेड कर रहा होता हूँ मेरी एक स्क्रीन है जिसपे पांच जो है ना वो लगे हुए होते हैं मैं वो भी आपको शो करा देता हूँ अगर वो अभी आ जाती है तो ये ये फाइव स्क्रीन सेटअप है फोर स्क्रीन सेटअप है इसमें मार्केट वॉच चल रहा होता है इसके अलावा स्कैनर्स कुछ चल रहे होते हैं कुछ न्यूज़ के वो चल रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं अच्छा आप देखें गोल्ड के अंदर मैं मैंने जो है ना वो लास्ट नहीं ट्रेड दी पूरे वीक Uh, मैं मैंने यहाँ पे दी थी, uh, को पे। पे मैंने जीरो तक जो है ना वो लगाती है मतलब नियरली नियरली फिफ्टी डॉलर प्लस जो है ना वो इसने डाउन साइड हमें गेन दिया था सारे स्टूडेंट्स ने इसको ट्रेड किया अब ये प्रॉपरली देखे ट्रेड थी सेम सिस्टम पे एम टी एफ ब्रेक ऊपर से fundamentals का जो डेटा आया था वो गोल्ड के अगेंस्ट था जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था तो ये चीज़ क्या थी इसने जो ना बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया कि यार हम जो ना यहाँ पे प्रॉपरली उसके बाद मैंने पूरा वीक गोल्ड को नहीं छेड़ा फ्राइडे को मैंने यहाँ पे अगेन सेल किया लेकिन ये ट्रेड मैंने शेयर नहीं की थी ग्रुप के अंदर मैंने पर्सनली ट्रेड ली थी इसकी इसके अलावा ये मेरी वॉच लिस्ट है अगर आप यहाँ पे देखें वॉच लिस्ट को तो यहाँ पे भी आपको आइडिया होगा कि डेली वॉच वॉच लिस्ट पे बनाई जाती है फिर है फिर मार्केट ये मेरे गोल्ड की अच्छा हम नॉर्मली को फॉलो करते हैं ताकि एक्चुअल डेटा बी टी सी में मैंने ट्रेड लास्ट कुछ वीक से क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और डोनाल्ड ट्रम्प के स्ट्रॉग होने के साथ जो है ना ये मूव करता है बी टी को मैं खुद ट्रेड नहीं करता जब बी में कोई सेटअप होता है तो मैं ये MSTR और कोइन को ट्रेड करता हूं। ये बहुत अच्छे मूव देते थे जैसे कल बीटीसी काफी बैरिश था यहाँ से जब ये क्लाउड्स ब्रेक हुए इस पॉइंट से टू फोर्टी फोर फोर्टी फाइव डॉलर से हमने एमएसटीआर को सेल किया है सिर्फ मैंने इसमें बीस शेयर सेल किए थे इन माइ पर्सनल अकाउंट और बीस शेयर में जो है ना वो कुछ वन रेशो वन पे में निकल गया था हाफ में और हाफ मैंने होल्ड किया वन रेशो टू तक तो ये भी प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ जो है ना वो की जाती है एग्जिट स्ट्रेटजी मेरी प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ है मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जिट स्ट्रेटजी में मैं किस तरीके से जो है ना वो फॉलो कर रहा हूँ अच्छा ये मेरी एग्जिट स्ट्रैटेजी on on ये, ये क्या है टारगेट मीट सबसे पहले तो या तो मेरा टारगेट मीट हो जाए या तो फिर क्लोज फिफ्टी परसेंट ऑफ द ओपन पोजिशन ऑन वन रेशो एस एल टू ऑफ मोर देन मोर ऑन रेशोलो वन रिमेनिंग ट्वेंटी विद एल टू द नेक्स्ट फॉर दैक्स लेवलिंग एस एल इज प्रेफर्ड इन दिस पोजिशन और क्लोज वैन यू सी द शॉर्ट सिग्नल फॉर लॉन्ग ट्रेड और लॉन्ग सिग्नल फॉर द शॉर्ट ट्रेड ये जो है ना ये क्या है हमारे mara एक रूल है जिसकी बेसिस पे हम जो है ना वो सेल कर रहे होते हैं चीजों को अच्छा यहाँ पे देखें सारी ट्रेड बनती है गैप अप गैप डाउन अर्निंग्स डाउनग्रेड सोशल मीडिया मैं अनयूजुअल एक्टिविटीज इन वॉल्यूम्स अनयूजुअल एक्टिविटीज इन ऑप्शन साइकोलॉजिकल लेवल्स और रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे सारी जो है ना डे टू डे थ्री डे टू डे थ्री क्या है इस पे भी मैं एक सेशन करूंगा डे टू डे थ्री मीन्स ये कि अगर हमारा आज का कोई सेटअप है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया है तो हम क्या करते हैं अक्सर कल उसको नहीं देखते कल उसको हम वॉच नहीं कर रहे है. तो हमारा डे टू डे थ्री सेटअप में क्या है हम प्रीवियस डे से को भी लेके चल रहे होते हैं ताकि वहां से कोई अच्छी मूव अगर अच्छी ट्रेड हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा सेटअप जो है ना वो इस तरीके से मिल जाते हैं अगर आप इसको फॉलो करें अच्छा इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट इस डेट के हम नेक्स्ट पॉइंट इज डेट के आप अपने फिर वीकली रिकेप्स करेंगे जैसे मैं करता हूँ मेरे साथ भी करें और आप खुद भी वीकली रिकेप्स करें ताकि आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट करें और आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं चाहे तो आप फिजिकली ज्वाइन करें फिजिकली राइड यार हम सिर्फ यारे खास में ऑफर कर रहे हैं रीजन क्या है मैं कराची में रहता था आई एम फ्रॉम कराची साइड लेकिन मेरपुर खास बॉन्ड हूँ मेपुर खास में हमारा जो है ना वो है ऑफिस है लेकिन ऑपरेशन हमारे ऑनलाइन है तो इट ड मैटर कि आप मेरपुर खास से काम करो या फॉर से. तो मेरपुर खास मेरी बॉन सिटी है मैं यहाँ से जो ना ऑफर कर रहा हूँ फिजिकल कोर्सेज हमारे ओपन हैं क्लासेस स्टार्ट हैं जिसमें वीक में थ्री डेज क्लास होती है जिसमें डेली सेशंस वीकली सेशंस और ट्रेड आइडिया सिग्नल्स ग्रुप्स हमारे व्हाट्सएप के बने हुए हैं प्रॉपरली वो सारे जो ना ऐड कर दिया जाता है कोर्स पर एक्सेस दे दिया जाता है और लर्निंग जो है ना हर तरीके से कराई जाती है और फिजिकली जो है ना वो आप ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो आप हमारे साथ अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें हमारे साथ अकाउंट ओपन करना हमारे कोर्सेज हैं बेसिक कोर्स है डेली सिग्नल्स हैं लाइफ वीकली सेशंस हैं, ग्रुप की सपोर्ट है हाई क्वालिटी सेटअप्स हैं, पूरा गेम प्लेन शेयर किया जाता है सारी रियल ट्रेड्स होती हैं हमारे साथ और अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी फैसिलिटेट कर देंगे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में यूएस स्टॉक्स में और जो ना हर जगह एक्सेप्ट क्रिप्टो हम आपका सारे जो है अकाउंट ओपन वगैरह कर देंगे बाकी ये कि क्रिप्टो के अंदर हम एनालिसिस के लिए चीजें यूज करते हैं यूएसए वालों के लिए क्रिप्टो में हम आइडियाज भी देते हैं जो आउटसाइड पाकिस्तान पाकिस्तान में ये लीगल नहीं है लेकिन हमने इसको लर्निंग में शामिल किया हुआ है तो एनी ज्वाइन कर सकता है और अगर आपका कोई क्यू एन ए है कोई सवाल है तो वो मुझसे कर सकता है एंड देन आई एम गोइंग टू क्लोज द सेशन जी मोहम्मद अवेज फिजिकली खास के अंदर है लेकिन देखिए फिजिकली मेप्रो खास में होने का भी इतना ज्यादा बेस्ट वो नहीं है उसका रीजन पता ही क्या है आप यहाँ पर आते हैं आ, तो जो है ना यहाँ पे अगर आप आते हैं तो भी आपको लाइव ही करना है ठीक है आपको लाइव ही करना है लाइव वीकेंड सेशन मेरे साथ होगा वीकेंड सेशन आपका मेरे साथ होगा और जो है ना वो जो टू डे सेशन होगा वो मेरे टीम के साथ होगा बाकी वैसे भी हम डेली सेशन करते हैं जूम के साथ वीकली सेशन जो है ना हमारा चल रहा होता है डेली आइडियाज़ ग्रुप के अंदर शेयरिंग चल रही होती है मैं यार आपको दिखाता हूँ ग्रुप कि किस तरीके से हम ट्रेड जो है ना वो देते हैं ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम ट्रेड आइडियाज़ वगैरह शेयर करते हैं जैसे मैंने अपना पूरा सेटअप यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारी ट्रेड फंडामेंटल्स पे भी जैसे एनालिसिस दी जाती है पीसी प्राइस इंडेक्स क्या है उसके अलावा जो है ना यहाँ पे मैंने उससे पहले अपडेट दी थी अनएम्प्लॉयमेंट uh, क्लेम्स की अच्छा ये देखें ये यह, यहाँ पे जो है ना बी केयरफुल इन गोल्ड ठीक है जो है ना गोल्ड का मैंने यहाँ पे बताया था कि गोल्ड थोड़ा सा मुझे हैवी लग रहा है और ये जा जाए इसी दिन की ये न्यूज़ थी ट्यूज डे की ठीक है गोल्ड डाउन जा सकता है आफ्टर न्यूज़ उसका रीज़न क्या था मैंने पूरी फंडामेंटल शीट्स बनाई हुई है वहां पे जो है ना वो आपको ये की, जाती। इसके हमारा का है। ये PMX, की थी आ, हमारे टीम मेंबर ने जी आर फोर्टी के अंदर ये बिल्कुल क्लाउड बेसिस थी और यहाँ से अच्छी खासी ऊपर गई है टीपी टू भी इसमें है टूआ है फिर ट्रेड डिस्कशन हमारा ग्रुप है जिसमें सारी डिस्कशन वगैरह बच्चे कर रहे होते हैं अपनी ट्रेड आइडिया शेयर करना पाकिस्तान का ट्रेडिंग फ्लोर है यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रेड्स जो है ना वो दी जाती हैं तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ जो है ना वो कर रहे होते हैं अच्छा ब्रोकर कौन सा यार ये या आप डीएम कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा मैं मुदसर कोई मसला नहीं है ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप आप थैंक यू थैंक यू सो मच प्लीज ड्रॉप यूर टू सेंट्स ऑन ट्रेडिंग प्लान मुझे समझ नहीं आया ये आप क्या कहना चाह रहे हैं जैन ग्रेट थैंक 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 यू 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 लॉट ऑफ लर्निंग टू बी डिसिप्लिन सो मच मैं आपको मुदसर ग्रुप में हम ऐड कर देंगे जिस जहाँ से आपको इस सेशन की लिंक मिला था आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा आपको इनशाला आप प्रोवाइड कर देंगे सो so, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो आप मुझे जो है ना इजाजत दें बिकॉज इट्स सैटरडे एंड आई नीड टू गो होम मैं काफी टाइम से यहाँ बैठा हुआ हूँ एहत्या अरसलान फैजान फारूक फवाद मुदसर सद्दाम सबोध नवी साहब जैन जवार जोहेब कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं मैंने कोशिश की काफी सारी चीजें डिटेल में बताने की आपको और इनशा इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको कोई मसला नहीं है आप हमारे साथ लर्निंग अर्निंग काफी सारी चीजें कर सकते हैं क्लाइंट हमारे साथ दो से स्टूडेंट है वो अभी तक लेंगे तो आवर कोर्सेज आर स्टार्टेड अच्छा सबसे बड़ी जो गुड न्यूज ये है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स भी स्टार्ट करेंगे जो बहुत ज्यादा बेस्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस का कोर्स होगा और एक और कोर्स है जो फाइनेंशियल मॉडलिंग का है जिसमें आप लोग जो है ना कंपनीज के वैल्यूएशन निकाल सकते हैं तो वो चीज भी जो है ना हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और जो है ना हम यहाँ पे लिटरली बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं दिस इज फ्री फ्रॉम दी एस स्टूडेंट्स एंड जो न्यू है जो नॉन वी हैं या मंथली हैं वो जो है ना इसको अपग्रेड करके ज्वाइन कर सकते हैं इफ एनीवन वांट्स इंटरेस्टेड इफ एनीवन इंटरेस्टेड तो डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच मुदसर वेलकम वेलकम अगेन वेलकम आप जो ना हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर जो ना मैं मेंशन आपको कर देता हूं इधर ताकि आपको जो है ना मैम गाइड कर देंगी मैम मनीषा विल गाइड यू ये उनका व्हाट्सअप नंबर है जीरो थ्री वन फाइव थ्री टू जीरो सिक्स वन टू फाइव मैम मनीषा आपको जो है ना इसमें गाइड कर देंगी आप इनको मैसेज करें ग्रुप्स वगैरह में भी ऐड कर देंगी सो थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर यूर टाइम इन जो है ना हम नेक्स्ट अगेन इस तरह का सेशन करेंगे जिसमें और डिटेल चीजें होंगी थैंक यू सो मच थैंक्स अगेन थैंक यू